हेलो फ्रेंड्स, ओडिया फिटनेस को आपण मानक स्वागत। तेज आज वीडियो रे आम जानिबा जे बासी अट्टा भात एवं आलु एथिरु प्रस्तुत खाद्य को खाइले आम शरीर को कौन सब क्षति पहुँची थाए, तेज से सब संपर्क तो आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्व आम चैनल को सब्सक्राइब करनिंतु एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिकु प्रेस करनिंतु सर्वप्रथमे आम नुवा वीडियो देखिबा पई। तेज अधिकांश समय रे आपण समय बचाइबा पई राती रे चकड़ी रखिथिबा अट्टा किंवा सीझा आलु भात को सका रोसे करपरी करने द्वारा खाद्य स्वादिष्ट लगी था सत, किंतु बासी अटा बासी आलु एवं भात में प्रस्तुत होता खाद्य सब क्षति पहुँचाई थाए आम शरीर को। वैज्ञानिक कारण अनुसार शुखिला अटा अपेक्षा ओदा अटा फर्मेंटेशन प्रक्रिया शीघ्र होता है, जहाद्वारा बैक्टेरिया शीघ्र जन्म नहीं था। जदि आपण समय बचाई पूर्व अटा को चकड़ी रखुंट तेज एपरी नक सका शीघ्र उठी सतेज अटारे रुटी को प्रस्तुत करने चेष्टा करूँ। तेरे चलतु गोटी गोटी करी जानी नवा जे एमती करबा द्वारा कौन सब आमको क्षति पहुँची थाए। तेबे गहम एक मोटा जातीय शस्य होइतिबारु एथिरु प्रस्तुत खाद्य पेटरे विलंबरे हजम होइथाए, जहाँ जोगु कोष्ठकाठिन्य परि समस्या देखा देथाए। तेणु बासी अटार रुटी को खाइबा द्वारा पेटरे जंत्रणा होइथाए एवं नियमित भाबरे बासी रुटी खाइले पाचन क्रिया खराब होइथाए, एतिसहित इम्यून सिस्टम मध्ये दुर्बल होइथाए। सेहिपरि बासी भात को फोणी थरे गरम करि खाइबा द्वारा बैक्टेरियाक संख्या वृद्धि होइथाए। तेबे याकु खाइले बांती डायरिया फुड पॉइजनिंग होबार मध्य आशंका रही। जदि आपण बासी आलू को फुणी थरे गरम करी तरकारी किंबा भजारे पकाउछंती तेबे एपरि भूल बिल्कुल भी करंतु नाही। एपरि करबा द्वारा आलू रे थिबा पोषक तत्व नष्ट हो जाइथाय एवं आम शरीर को मध्य बहुत क्षति पहुँचाइथाए। तेणु एही तीनोटी जिनस बासी थिले एहाकु फुणी थरे प्रस्तुत करी न खाइबाकु परामर्श दिया जाए। तेबे आजिरो वीडियो एतिकी, फुणी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे। सेति पर्यंत जे माने भी चैनल रे नुवा अछंती चैनल को सब्सक्राइब करिनंतु, वीडियो टी को लाइक शेयर करंतु एवं कोन रहिछ आपनकर मतामत हमकु कमेंट माध्यम रे निहाती जणंतु। सेति पर्यंत मु रहूछि, नमस्कार।